हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है कटियार जंक्शन से। तो गाइस, अभी हम लोग हैं कटियार जंक्शन पे और देहरादून के लिए निकल रहे हैं। तो ट्रेन हमारा अभी एक घंटा लेट है, तो हम लोग पहले ही पहुंच गए क्योंकि इधर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो रात में ट्रेवल करना सही नहीं रहता है बाय रोड, तो इसलिए हम लोग आ गए एक घंटा पहले ही। और गाइस, मुझे लग रहा है कि मैं ब्लॉगर हूँ ही नहीं, मतलब भाई, क्योंकि इतना दिन के बाद मैं कैमरा को देख रहा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब क्या ही बताए। तो चलिए, कुछ खाने का भी मन कर रहा है, तो कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं और ब्लॉग आज का शुरू करते हैं। देखते हैं रेंडमली क्या होता है, नहीं होता है। और गाइज, आप देख सकते हो कटियार जंक्शन में काफ़ी चेंजेस आया, मतलब पहले से लाख गुना ज़्यादा अच्छा लगता है, खतरनाक लगता है देखने में भाई। एक बार आप देख लो व्यू कटियार जंक्शन। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 12:06 और ट्रेन का वेट करते करते हम लोग हो गए हैं बोर, मतलब क्या ही बताए। 3 घंटा से यहाँ स्टेशन पे बैठे हुए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें, पर देखते हैं अब आधा घंटा और टाइम है, आज ही जाएगा ट्रेन, फिर फटाफट बैठते हैं ट्रेन में फिर निकलते हैं देहरादून। तो गाइज, अभी हमारे साथ खतरनाक वाला ही पोपट हो चुका है। तो हमारा जो ट्रेन था वो सहारनपुर के था, लेकिन कोई कारणवश, मतलब पता चला कि उस साइड आंदोलन चल रहा है जिसके कारण ट्रेन कैंसिल हो गया, तो रुड़की तक ही हमारा ट्रेन था। तो अभी हम लोग रात के 3 बजे भटक रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि रुड़की बस स्टैंड से हम लोग बस लेके देहरादून निकलेंगे। तो बस भी अभी नहीं चलने वाला, लगभग 1-2 घंटा बाद ही यहाँ से बस खुलेगा, तो फटाफट पहुँचते हैं देहरादून। हे गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे, फाइनली वी आर इन देहरादून। तो गाइज, हम लोग कल ही देहरादून पहुंच गए थे, पर मैं एक बात बताऊं गाइज, आने के साथ ऐसा थकावट लग रहा था ना कि बस आए कुछ खाएं फिर सो गए, मतलब इवन एक भी वीडियो में शूट नहीं कर पाया। फिर गाइज, मैं एक बात और बता देता हूं कि देहरादून का ठंड, भाई मत ही पूछो क्या ठंड है देहरादून का। शाम होते होते तो लगता है कि कम्बल रह जाए लोग अपना, आराम से हीटर ऑन करो और सो जाओ। और गाइज, बाकी आए तो रूम का सफाई वगैरह हर चीज़ हो गया, बस किचन का कुछ सामान सब, जैसे सब्जी मसाला वगैरह ये सब लाना है, तो ये सब फटाफट लेके आ ही जाएंगे। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो क्या व्यू है पीछे, और इधर भाई लोग खेल रहा है बैडमिंटन। चलो तुम लोग खेलो मस्त का, और एक बार आपको हम व्यू दिखाते हैं पीछे का, देख सकते हो आप व्यू। और गाइज, आप व्यू देखो, माई गॉड क्या व्यू है। और इस साइड आप नीचे देख सकते हो पूरा खाई है, और आप घर का लोकेशन एक बार देखो गाइस, ओह माय गॉड क्या लोकेशन है घर का, मतलब खाई नीचे और इस साइड घर, ओह मस्त का। छत पे बैठो धूप में, और ऐसे भी देहरादून का तो मौसम मत ही पूछो, अपने जैसा मौसम रहता तो कंट्रोल हो जाता है, यहाँ का तो मौसम का क्या ही बात है भाई। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमारे रूम के एक नीचे ही, मतलब मसूरी वाला रास्ता में एक मंदिर है, शिव मंदिर, तो वहाँ पे सब भाई लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। देखते हैं वहाँ से बाद और कहीं प्लानिंग बनता है तो फिर उधर भी निकलेंगे, तो आपको वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। तो हम लोग निकलते हैं फटाफट, पहुँचते हैं पहले मंदिर, उसके बाद फिर आगे का प्लानिंग देखते हैं। We'll be right back.
जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गए मंदिर। ये हमारे भाई लोग, ये हमारे सीनियर हैं। ये सीनियर नहीं है लेकिन ये भी सीनियर नहीं है। तो गाइस हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच गए हैं और आने में तो मत ही पूछो क्या ठंडा लग रहा है। ये तो मसूरी का रास्ता में ही है ना, तो गजब का ठंडा है। तो हम लोग फटाफट चलते हैं मंदिर के अंदर, वरना गेट बंद हो जाएगा तो काफी दिक्कत है, इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। जय बाबा भोलेनाथ की जय। गाइज आप देख सकते हो मंदिर के अंदर यहाँ पे मतलब रुद्राक्ष वगैरह जो है चीज़ अवेलेबल है। तो देख सकते हो इस साइड इधर शॉप है। कुछ ले रहा है क्या अमीर? क्या चीज़ देख रहा है? ये रुद्राक्ष क्या है वो? ये तो वही, तो समझ में नहीं आ रहा। लिखा हुआ तो है भाई, सारा चीज़ अवेलेबल है। स्टोन सब देखो, कौन कौन सा स्टोन सब है उस साइड। चलो उधर भी चलते हैं। रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष चार मुखी रुद्राक्ष 150। मतलब सब अवेलेबल है यहाँ पे। पांच मुखी असली पांच मुखी रुद्राक्ष वो मिलेगा अभी सिक्स में क्या? तो गाइस अभी हम लोग इधर देख रहे हैं रुद्राक्ष, अगर जो भी लेना है रुद्राक्ष अवेलेबल अगर होगा तो फिर रुद्राक्ष लेकर। कौन सा रुद्राक्ष? रुद्राक्ष अच्छा स्टोन था ना, स्टोन था वो रूबी था। रूबी, हाँ रूबी था, पर उसमें और कुछ वेरिएंट था। देखते हैं अगर मिल जाता है तो। रूबी कुछ कैरेट करके था यार, नहीं अब देखना पड़ेगा। उस साइड चलो ना, उस साइड भी है, देखते हैं उस साइड अगर मिल जाएगा। और यहाँ पे गूगल पे फोन पे सिस्टम भी अवेलेबल, अगर लेगा तो ले सकता है। तो गाइस फाइनली हमारा पूजा पाठ हो चुका है, हम लोग अब मंदिर से बाहर निकल गए हैं। अब हम लोग फटाफट चलते हैं रूम पे। अजय का तो बताओ, चाय का पार्टी कौन दे रहा है? चाय का पार्टी फिर मेरा, चाय का पार्टी कौन दे रहा है भाई? कम से कम चाय पिला दो, ठंड बहुत है। चलो ठीक है, हम ही चाय पिला रहे। बस 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 चलो चलो।